देखिए दोस्तों, आप सामने जस्ट रोड किनारे मगना हाथी आप देख सकते हैं सामने। कुछ टूरिस्ट भी देखो सेल्फी ले रहे हैं मगना हाथी के साथ में, जो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। आज हम आए हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के आमडंडा गेट पर, और यहाँ पर दोस्तों शुरुआत में ही इतना अच्छा दृश्य दिखाई दिया। मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से, आपको दिखाता हूँ मखना हाथी, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं सामने, ये देखिए जस्ट रोड ये है, और सामने यहाँ पर मखना हाथी है। ये देखिए आप, बहुत ही हमारे नज़दीक है, आप देख सकते हैं सामने। और ये पीछे जो यहाँ पर ऑफिस बने दिख रहे हैं, ये है आमडंडा गेट का ऑफिस। देखिए दोस्तों कितने पास है हमारे मखना हाथी। देखिए वाइल्ड लाइफ का यही इंजॉय होता है दोस्तों, कभी भी कुछ भी कहीं भी दिख सकता है, आप देख सकते हैं सामने। और ये बिल्कुल आमडंडा का गेट से बिल्कुल मिलता हुआ मखना हाथी दिखाई दिया हमें। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ और आगे लेके चलता हूँ दूसरी साइड पर। ये देखिए दोस्तों सामने मखना हाथी, आप देख सकते हैं बिल्कुल जस्ट हमारे सामने। देखिए दोस्तों आप सामने जस्ट रोड किनारे मखना हाथी, आप देख सकते हैं सामने। ये देखिए आप, बहुत अल्टीमेट व्यू है दोस्तों, आप देख सकते हैं जस्ट हमारे सामने ही है मखना हाथी। ये देखिए आप दोस्तों सामने, आप देख सकते हैं जस्ट हमारे सामने रोड किनारे मखना हाथी है, और काफ़ी अच्छा दृश्य है दोस्तों। और उसके सर पे है पेड़ की टहनी। ये देखिए आप, अल्टीमेट व्यू है दोस्तों, अल्टीमेट व्यू बहुत बढ़िया, आप देख सकते हैं जस्ट सामने। बिल्कुल आप इस समय पेट पूजा करते हुए, ये देखिए आप, ये देखिए आप, देखिए दोस्तों सामने इधर गाय चुग रही है, उधर सामने है हाथी, इसको बोलते हैं मखना हाथी। बहुत अल्टीमेट व्यू है दोस्तों, जस्ट आमडंडा गेट पर, रामनगर से ऊपर आमडंडा गेट पड़ता है, जस्ट उसी के सामने है मखना हाथी, आप देख सकते हैं सामने। टूरिस्ट भी देखो सेल्फी ले रहे हैं मखना हाथी के साथ में, जो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देख सकते हैं सामने, हम काफ़ी दूरी पर हैं इनसे। ये देखिए आप, देखिए कंटिन्यू मूवमेंट करते हुए मखना हाथी जस्ट हमारे सामने ही है, आप देखिए। और दोस्तों और देखिए यहाँ पर वन विभाग के अधिकारी कुछ मना करते हुए कि आप बिल्कुल भी यहाँ पास में खड़े ना हो, क्योंकि गलत है कि आपके ऊपर हमला कर सकता है मखना हाथी, क्योंकि काफ़ी ख़तरनाक होता है। देखिए मैम सेल्फी लेते हुए मखना हाथी के साथ, जो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए इन्हें। और इससे दूरी बना कर रखें दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक हाथी होता है, जिसको बोलते हैं मखना हाथी, और ये कहीं पर भी हमला कर सकता है गाड़ियों पर। आप देख सकते हैं सामने, जस्ट हमारे सामने ही रोड किनारे मखना हाथी, बहुत ही कंटिन्यू। देखिए सामने पेड़ की टहनी तोड़ते हुए मखना हाथी, बहुत अल्टीमेट व्यू है दोस्तों। इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, क्योंकि ऐसे ऐसे मोमेंट ढूंढ के लाते हैं हम आपके लिए। आप देख सकते हैं सामने कंटिन्यू यहाँ पर दोस्तों ट्रैफिक चल रहा है, आप देख सकते हैं सामने है आमडंडा गेट, सामने है मैम जो ले रही है सेल्फी मखना हाथी के साथ। हाथी आप देख सकते हैं दोस्तों, ऐसा दृश्य आपको कहाँ मिलेगा देखने के लिए? तो आपको मिलेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के आमडंडा गेट के पास। आप कभी भी यहाँ घूमने आ रहे हो दोस्तों, तो आप आमडंडा गेट ज़रूर विजिट करें, क्योंकि ये बहुत टाइगर साइटिंग और एलिफेंट साइटिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आप देख सकते हैं सामने, ये देखिए दोस्तों एलिफेंट मूवमेंट करते हुए, और ये खा रहा है पत्तों की टहनी है तोड़ तोड़ के। दोस्तों रोड किनारे में मखना हाथी मिल गया दोस्तों, ऐसे मोमेंट कहाँ मिलेंगे देखने के लिए? अब चलते हैं हम आगे की तरफ। दोस्तों मौसम की बात करें तो मौसम बहुत सुहाना है इस समय, रामनगर से ऊपर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। और देखिए आप साइन बोर्ड लगे हैं जगह जगह, ये एलिफेंट का क्षेत्र है, यहाँ आराम से चलें। बारिश के कारण पेड़ टूट चुके हैं जगह जगह से, आप देख सकते हैं अल्टीमेट व्यू दोस्तों। देखिए यहाँ भी एक पेड़ टूटा हुआ। देखिए दोस्तों सामने ये वन विभाग की चौकी है, यहाँ से एंट्री होती है सफारी के लिए, और अभी तो कुछ सफारी नहीं है फिलहाल, तो यहाँ से एंट्री होती है सामने, आप देख सकते हैं। और यहाँ काफ़ी सारे अच्छे अच्छे स्टॉल हैं, आप यहाँ पर चाय वगैरह या कुछ भी आप ले सकते हैं।
दोस्तों यहाँ कभी भी आप आए तो यहाँ कुल्लड़ चाय जरूर पिए, यहाँ की चाय बहुत फेमस है, कुल्लड़ चाय। देखिए आप व्यू चेक करिए, कितना अल्टीमेट व्यू है दोस्तों, बहुत प्यारा व्यू है दोस्तों। एक खास बात, रेगिस्तान के ऊँट आपको उत्तराखंड में भी देखने मिल सकते हैं। ये देखिए आप, ये रेगिस्तान के ऊँट हैं और आपको मिल रहे हैं देखने के लिए उत्तराखंड में, जिम कॉर्पोरेशन। ये देखिए एलिफेंट दोस्तों, दो दो एलिफेंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए सवारी होते हुए यहाँ से दोस्तों, यहाँ पर बड़ा एडवेंचर है और यहाँ पर आप ऊपर भी एडवेंचर कर सकते हैं। देखिए सामने ऊँट की सवारी का लुत्फ उठाते हुए लोग। देखिए दोस्तों मैं सामने आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी हम पहुँचने वाले हैं गिरजा गेट, यहाँ से भी सवारी होती है दोस्तों। और ये गेस्ट हाउस बना हुआ है यहाँ पर कि आप यहाँ पर रुक भी सकते हैं। देखिए आप, ये दर्जिया वन परिसर है, यहाँ पर लिखा है पार्क के भीतर पैदल चलना सख्त मना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर साइन बोर्ड इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि कुछ लोग सेल्फी खींचने के लिए या अंदर वो कुछ वाइल्ड लाइफ दिखाई देती है तो उसको देखने के लिए अंदर चले जाते हैं, जो बेहद ही गलत है। ये गिरजा का गेट है, आप देख सकते हैं, हमने जो आपको बताया था अभी सामने, ये गिरजा गेट है, आप सामने देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर टाइगर की सेटिंग काफ़ी अच्छी होती है दोस्तों। और अभी चलते हैं हम सुंदरखाल की तरफ, और रास्ते में कैसा मौसम होगा, और सबसे फेवरेट जगह जो है दोस्तों मेरी ये वाली है, मैं आपको दिखाता हूँ कितना अच्छा अल्टीमेट व्यू आता है। ये देखिए आप चेक करना व्यू दोस्तों, है ना दोस्तों अल्टीमेट व्यू। यहीं पे भी पुल पे कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं जो बेहद ही गलत है। ये देखिए आप सामने, और हम छाँव भरे पेज पे, देखिए आप मौसम बहुत अल्टीमेट है दोस्तों। यहाँ पर लिखा है साइन बोर्ड, ये कोट टाइगर डायरेक्टरी है दोस्तों, यहाँ आप बिल्कुल भी ना रुके। ये देखिए आप सामने, देखिए सामने बकरियाँ चराते हुए एक बुजुर्ग, देखिए ये काफ़ी रिक्सी भी हो सकता है दोस्तों। बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं हम सुंदरखाल दीपू भाई की शॉप पर। देखिए मैं आपको रिवर साइड का व्यू दिखाता हूँ, रिवर साइड में धीरे धीरे पानी आते हुए क्योंकि अब बारिश होने लगी है उत्तराखंड में। और एलिफेंट तसराती भी दिखाई देते हैं तो इसी जगह अभी हम पहुँचने वाले हैं सुंदरखाल, जस्ट एक मिनट। देखिए दोस्तों हमारे सुंदरखाल वैली पॉइंट है और ये दीपू भाई की शॉप है दोस्तों। आप यहाँ कभी भी आएँ तो ज़रूर आए, यहाँ पर विजिट करें, काफ़ी अच्छी मैगी और चाय बनाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।